नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर, जहां अमरोहा में जोया नगर पंचायत से निवर्तमान चेयरमैन और समाजवादी पार्टी की ओर से वर्तमान चेयरमैन पद के प्रत्याशी जाहिद हुसैन एडवोकेट ने आज प्रेस वार्ता की है। उन्होंने अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके द्वारा 5 साल में बिना भेदभाव के कार्य किए गए हैं और किसी को भी निराश नहीं किया गया। साथ ही कहा कि उन्होंने सभी सरकारी योजनाओं का पात्र व्यक्तियों को शत प्रतिशत लाभ दिलाने का प्रयास किया है। देखिए, अब तक पिछले टर्म में हमारी पत्नी चेयरमैन थी और हमने जितना भी संभव हो सका काफी प्रयास करके विकास किया है। लगभग छोटी बड़ी 90 सड़कें हमने जो है बनाई हैं। कुछ लोग कहते हैं कुछ काम न हुआ, हर वार्ड में लगभग सड़कें बनाई गई हैं। हमने पानी के प्याऊ लगाए लगभग 20, हर मोहल्ले में हर कोने पर ठंडे पानी के प्याऊ लगे हैं। हमने बिजली में भी सुधार किया है। एक मोहल्ला मुंसियान है, उसमें सड़कों पर पानी भरता था, उस सड़क को बना कर उसकी जो है पाइपलाइन बिछा के पानी बाहर पहुंचाने का काम किया। वो लोग वहाँ खुश हैं इस बात के लिए। और भी बहुत विकास जितना संभव था, जितना सरकार से हमें पैसा मिला उसके हिसाब से बहुत अच्छा हमने विकास किया। जो सड़कें 20-20 साल से नहीं बनी थी, बहुत जर्जर हालत में थी, वो बनाई गई हैं। कुछ रह भी गई हैं, लगभग 12 सड़कें ऐसी हैं जो अभी पीछे फरवरी में पास हुई थी, किसी कारणवश उनका टेंडर नहीं हो पाया, स्वीकृत हो गई हैं, पैसा स्वीकृत हो गया है और बहुत जल्दी चुनाव के तुरंत बाद बन जाएंगे। हमारे चेयरमैन साहब ने जोया का विकास किया है। जो और चेयरमैन आते हैं वो अपना विकास करते हैं। हमारे चेयरमैन साहब ने जोया के विकास किया है। जोया की नई सड़कें बनाई हैं और बढ़िया से बढ़िया ईंट जो है उसमें लगाई गई है। बहुत बढ़िया विकास जो है हुआ, कॉलोनी बनी है, हर चीज़ जो पानी नहीं निकलता था तालाब में से वो पानी निकाल के अपना रोड पे पहुँचाया है। पहली बार ऐसा हुआ है जो चेयरमैन साहब ने विकास किया। जी, इनका मकान पुराना है, सड़कें नहीं है जोया में और कॉलोनियाँ से 600 बना दी, लेकिन इनका मकान अभी पुराना ही है और गाड़ी भी वही जो पिछले साल थी वही है i10। और लोग जो है अब अपना जो है विकास करते हैं। इन्होंने जनता का विकास किया है, जोया का विकास किया है। हमारी अपील ये है कि दोबारा जनता इन्हें चुने, एक बार और सेवा का मौका दे, ऐसा चेयरमैन जोया के लिए होना जरूरी है। लखनऊ के चिन्हट क्षेत्र में शहीद भगत सिंह वार्ड नंबर 13 से पार्षद प्रत्याशी दीपिका यादव पत्नी संग्राम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट देते हुए उन पर भरोसा जताया है। दीपिका यादव का कहना है कि वो क्षेत्र में विकास कार्य कराएंगी, साथ ही जितने भी अधूरे कार्य पड़े हैं उसको भी पूरा कराएंगी। बता दें कि पार्षद प्रत्याशी दीपिका यादव लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और जनता से भारी वोटों से विजय बनाने की भी अपील कर रही हैं। तो लखनऊ में प्रत्याशी दीपिका यादव लगातार लोगों के बीच पहुंच रही है, लोगों से जनसंपर्क कर रही है, साथ ही साथ जनता से ज्यादा जनाधार मांगने का भी प्रयास कर रही है, क्योंकि लखनऊ में 4 मई को मतदान होने हैं और 2 मई को जो चुनावी रैलियां हैं, जो चुनावी जनसभाएं हैं उन पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। तो उससे पहले तमाम पार्टियों के प्रत्याशी जो है वो लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता से ज्यादा समर्थन मांगने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं इस दौरान सपा से पार्षद प्रत्याशी दीपिका यादव भी लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। चंदौली में जिला मुख्यालय के अस्पताल में चिकित्सकों ने युवक के शव को बगैर ढके मोर्चरी में भेज दिया। ये मामला अब शासन तक पहुंच चुका है और मामले का संज्ञान लेते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीएमओ डॉक्टर युगल किशोर राय से जांच करके 3 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद जिला अस्पताल के एक चर्चित चिकित्सक के खिलाफ शासन स्तर से कार्रवाई की गाज भी गिर सकती है। आपका माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी इस प्रकरण को संज्ञान में लिया है और बहुत गंभीरतापूर्वक उन्होंने मुझे आदेशित किया है कि इस पूरे प्रकरण की एक जांच कराई जाए और जो जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाते हैं, चाहे अधिकारी हो कर्मचारी हो, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी का आदेश दिया गया है और मैंने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है
और इस कमेटी को यह निर्देश दिया है कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच करते हुए और विस्तृत अपना ये रिपोर्ट मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। इस प्रकरण में कौन अधिकारी चिकित्सक कर्मचारी इसके लिए दोषी हैं, जैसे भी रिपोर्ट आती है तदनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ से फरीदाबाद की वल्लभगढ़ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा विधानसभा पहुंचे। वल्लभगढ़ के रेस्ट हाउस में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। बता दें कि वल्लभगढ़ सहित तिगांव और प्रिथला विधानसभा के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने विधानसभा और विधानसभा को करीब कई करोड़ों की सौगात दी है। वही अधिकारियों को जल्द कार्य के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। मंत्री जी, विभिन्न विभागों की मीटिंग भी है, क्या एजेंडा है? आज मैंने पीडब्ल्यूडी और एचएसवीपी की मीटिंग ली है। जो सड़कें हमारी थी, जो मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ रुपए की दी, 25 करोड़ में सड़कें बनवाने की एक उसकी मीटिंग पीडब्ल्यूडी की है। एचएसवीपी के जो हमारे 62, 64, 65 सेक्टर 2 की सड़कों की जो हालत है, उन सड़कों की भी मीटिंग ली। जल्दी जल्दी सड़कों को बनाया जाए, लोगों को जो सड़कों की हालत है उससे छुटकारा मिले और लोगों को इसका लाभ मिले। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हरदोई के गृह नगर मल्लावा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया है। कहा कि सपा पूरी तरह से डिरेल हो चुकी है और प्रदेश में गुंडई और माफिया गिरी अब खत्म हो गई है। माफिया या तो प्रदेश छोड़कर चले गए या सलाखों के पीछे चले गए। गृह नगर मल्लावा पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर इस दौरान जमकर निशाना साधा, साथ ही जनपद वासियों से भाजपा प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताने की भी अपील की है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बेहतर से बेहतर काम हुआ है। आप चारों तरफ निकल करके देख लीजिए, हम लोग पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। फिरोजाबाद में आज अराजक तत्वों ने संविधान निर्माता की मूर्ति तोड़ दी है। बता दें कि बाबा साहिब की मूर्ति टूटने से उनके अनुयायियों में काफी आक्रोश देखा गया। बताते चले कि दोषियों की गिरफ्तारी की पुलिस के सामने मांग रखी गई है। प्रशासन ने मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत की और इसके साथ ही शांति बनाए रखने की कोशिश भी की है और लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई के साथ साथ नई मूर्ति स्थापित कर लोहे के जाल से कवर करवाने की भी अब मांग रखी है। में अराजक तत्वों ने एक बार फिर से माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है, जहां पर संविधान निर्माता की मूर्ति तोड़ी गई है, जिसके बाद लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिला। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को शांत कराते हुए उचित कार्रवाई किए जाने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां सिहानी गेट थाना क्षेत्र के घूकना इलाके में बीते दिनों बाइक सवार बदमाशों ने शोरूम बंद करने के बाद कैश गिन रहे कैशियर से हथियारों के बल पर 30 लाख रुपए लूट लिए थे और मौके से फरार भी हो गए थे, जिसकी लिखित सूचना शोरूम के मालिक ने पुलिस को दी थी। जिसके बाद से ही पुलिस की 8 टीमें लूट की वारदात को लगातार खंगालने में जुटी हुई थी और आखिरकार पुलिस ने इस लूट में शामिल 4 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है, जिनके कब्जे से लूट के 23 लाख रुपए, अवैध असलहा और बाइक भी बरामद की है। तो गाजियाबाद में पुलिस ने घटना का खुलासा किया है। इस दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है, तो 4 बदमाशों की गिरफ्तारी करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। देवरिया में पुलिस ने 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने चोरी की 8 मोटरसाइकिलें और 1 अवैध देसी तमंचा के साथ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच भी शुरू कर दी है। परिवहन निगम की वेबसाइट के सर्वर पर साइबर अटैक करने वाले हैकर ने विभाग से 40 करोड़ रुपए के बिटकॉइन की रंगदारी मांगी है। जी हां, 2 दिन में पैसा नहीं मिलने पर यह रकम 2 गुनी तक करने की भी बात कही गई है और इस साइबर अटैक से ई टिकटिंग की व्यवस्थाएं भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। परिवहन निगम के GM IT युजवेंद्र सिंह की तहरीर पर साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज हुई है, जिसके बाद साइबर टीम ने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है।
साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बार साइबर हैकरों ने परिवहन निगम को निशाना बनाया है, जिसको लेकर ई टिकटिंग की जो सुविधा थी उसको पूरी तरह से हैक कर लिया। इसके बाद 40 करोड़ की बिटकॉइन की रंगदारी मांगी गई। 2 दिन का समय दिया गया, समय पर पूरी रंगदारी न देने पर इसकी रकम दोगुनी करने की बात कही गई। ज्यादा जानकारी के लिए परिवहन निगम के GM साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से ये हैकिंग का मामला सामने आया है, तो अभी तक इसमें क्या कुछ आप लोगों की तरफ से कार्रवाई की गई, क्या कुछ पूरी तैयारियां की गई हैं? देखिए, कल देर रात साइबर थाना में हम लोगों ने इसके लिए मुकदमा पंजीकृत कराया है। FIR सुसंगत धाराओं में हो गई है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर्टिन एक भारत सरकार की एजेंसी है, वो उनकी टीम भी मामले को देख रही है। जल्द ही इसमें हैकर्स का भी पता चल जाएगा और उनके विरुद्ध जो भी कार्यवाही नियम संगत होगी, कानूनी रूप से जो भी होने लायक होगी वो की जाए। सर, जिस तरीके से लखनऊ के साइबर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद मुंबई में भी एक मुकदमा दर्ज किया गया, तो अभी तक जो कार्रवाई है, कार्रवाई में क्या कुछ आपके सामने आया, या फिर जो कार्रवाई की बात की, जो ई-टिकटिंग हैक किया गया, तो इसमें अब तक आर्थिक नुकसान कितना हुआ होगा? देखिए, ये एक रैंसमवेयर अटैक है, जहां पर हैकर हमारे डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए धन की मांग करता है। हैकर द्वारा कोई फाइनेंशियल रूप से लॉस नहीं हमें दिया गया है, तो इस हैकिंग से सिर्फ हमारा डाटा इनक्रिप्ट हुआ है, कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है। हम लोगों को जो राजस्व पहले प्राप्त होता था, वही राजस्व अभी प्राप्त हो रहा है। हम लोगों ने मैनुअल टिकटिंग से सारी बसों का संचालन सामान्य रूप से कर दिया। सर, ये ई टिकटिंग की जो सुविधा है, ये प्राइवेट कंपनियों को दी जाती है ज्यादातर, क्या ई टिकटिंग की सुविधा के बीच जो ये साइबर अटैक हुआ है, तो कहां क्या कुछ लापरवाहियां रही होंगी जिसके कारण ये हैकिंग हो गई? देखिए, ये ई टिकटिंग वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये एक वृहद परियोजना होती है जिसके कई कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक सेवा प्रदाता फर्म का हम चयन करते हैं। इसमें टिकटिंग मशीनें, नेटवर्क स्थापित करना, मैन पावर की सप्लाई हम लोगों को करना, डाटा सेंटर आबद्ध करना, स्टोरेज, इन सब की जिम्मेदारी हम एक सेवा प्रदाता फर्म को देते हैं। इस नेटवर्क में एक डाटा सेंटर होता है, एक डिजास्टर रिकवरी सेंटर होता है, समय समय पर बैकअप भी रखा जाता है। एग्जैक्टली रेप्लिकेशन था DR में DC का, फिर भी कोई हमारी सिक्योरिटी में कोई ना कोई कमी रह गई होगी जो सेंध लगी है, और हम भविष्य में इसे और बेहतर बनाएंगे, दोबारा से सिक्योरिटी ऑडिट नए सिरे से कराएंगे और बेहतर रूप से यात्रियों को सेवा देंगे। यही सर, यात्री जिस तरीके से ऑनलाइन टिकट लेते हैं, जैसे कि वो सोचते हैं कि लाइन में ना लगना पड़े, तो जैसे अब उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो इसको लेकर के क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि यात्री जो है परेशान ना हो, कैसे इस चीज की सुविधा उठाएं? देखिए, अगले 5 से 7 दिवस के अंतर्गत सारी सेवाएं पूर्व की तरह बहाल कर दी जाएंगी। आज भी हम इस स्थिति में है कि बहाल करते हैं, लेकिन पूरा सिक्योरिटी ऑडिट करके और इसकी स्ट्रेंथनिंग करने के बाद ही, हार्डनिंग करने के बाद, सिक्योरिटी हार्डनिंग करने के बाद ही हम लोग लॉन्च करना चाहेंगे। यात्रियों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि अगले 2 से 3 दिन में हम प्रयास करेंगे कि इसे लॉन्च कर दें। किसी भी यात्री को निगम बसों में सफर में अभी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने हाथ के टिकट से हमारे कंडक्टर परिचालक लोग जो है मार्ग पर टिकट उपलब्ध करा रहे हैं। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो जिस तरीके से ये साइबर अटैक हुआ है, इसको लेकर केस भी दर्ज कर लिया गया है, इसके साथ ही जो साइबर क्राइम सेल है वो भी इस पर एक्टिव हो चुका है, टीम भी गठित है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो साइबर अटैक के द्वारा ये हैकिंग की गई, ये हैकिंग से निजात मिलने की जो बात कही गई है, ये कब तक होगा और जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी? वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ मोहम्मद कलीम, Prime TV लखनऊ। परिवहन निगम की ओर से यात्रियों को लाइन लगने की समस्या ना हो, इसके लिए ऑनलाइन टिकटिंग का काम शुरू किया गया था, जिसको लेकर प्राइवेट कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इसी जिम्मेदारी के बीच साइबर हैकरों ने एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि उनके द्वारा जो ई टिकटिंग कंपनी थी उसके सिस्टम को हैक कर लिया गया। हैक करने के बाद रंगदारी भी मांगी गई। हम इस वक्त परिवहन निगम मुख्यालय पर मौजूद हैं। तस्वीर परिवहन निगम मुख्यालय की है, जहां पर यहां अंदर अधिकारी बैठते हैं, GM बैठते हैं। जब ये मामला सामने आया, तभी अधिकारियों में भी हड़कंप मचा, तो उन्होंने इस मामले की शिकायत
लखनऊ के साइबर क्राइम थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद इस मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। तो वहीं इस मामले में दूसरी शिकायत मुंबई के थाने में दर्ज हुई है। फिलहाल जिस तरीके से साइबर हैकरों के द्वारा इस ई-टिकटिंग की कंपनी का सिस्टम हैक किया गया है, तो उसमें जो रंगदारी की बात कही गई है, क्योंकि दो दिन के अंदर 40 करोड़ बिटकॉइन की रंगदारी मांगी गई, न देने पर उसकी रकम दोगुनी करने की बात कही गई है। लेकिन अब जब साइबर क्राइम की टीम लगी हुई है, तो क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी या फिर जो साइबर अटैक हुआ है इससे निजात दिला पाएगी? वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो वहीं कानपुर में नए सड़क उपद्रव में फरार 5 आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने इनाम घोषित कर दिया है। साथ ही साथ अन्य आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी शुरू की गई है, जबकि 4 के खिलाफ गैर जमानती वारंट के लिए पुलिस ने अदालत से अपील की है। बता दें कि 3 जून 2022 को नई सड़क पर हुए उपद्रव में बवालियों ने पुलिस पर भी जमकर पथराव और फायरिंग के साथ ही बमबाजी भी की थी। पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता हयात जफर हाशमी, जावेद अहमद बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा बिल्डर हाजी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि अभी भी कई लोग इस मामले में फरार बताए जा रहे हैं। हमने 5 लोगों पर इनाम घोषित किया है और जो लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, तमाम प्रयासों के बावजूद 82 और 83 की कार्यवाही भी हम उन पर कर रहे हैं। अगर इनकी गिरफ्तारी अगले 10 दिन में नहीं होती है तो 83 के तहत कुर्की की जाएगी और न्यायालय को सभी जो भी प्रक्रियाएं की गई हैं या की जा रही है उससे अवगत करा दिया जाएगा। विवेचना पूरी करके न्यायालय को सौंप दी जाएगी, क्योंकि एक विवेचना का समय होता है और समय से बाहर इसे बहुत। लखनऊ में मतगणना और स्ट्रांग रूम को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कहा कि सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ट्रेनिंग लेना सभी कर्मियों के लिए अनिवार्य है और निकाय सामान्य निर्वाचन चुनाव 2023 की प्रक्रिया संपन्न कराने वाले मतदान कर्मिकों का द्वितीय प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिन बीएलओ की ड्यूटी मतदान कर्मी के रूप में लगाई गई है, वो बीएलओ मतदान कर्मियों के रूप में भी ड्यूटी करेंगे। बताते चले कि पर्ची वितरण का काम 2 मई से पहले से शुरू हो सकता है। वोटिंग परसेंटेज को इम्प्रूव करने के लिए हर चुनाव में प्रशासन के द्वारा विशेष पहल की जाती है। लखनऊ में भी हम सभी जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं, जो कि हम लोग वोटर को वोटिंग परसेंटेज को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, वो लखनऊ में भी करेंगे और कर रहे हैं। इस समय स्वीप की एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें कि सामाजिक संगठनों को लिया जाता है, जैसे NSS है, यहाँ पर सिविल डिफेंस भी है, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जागरूकता और उन लोगों की जिम्मेदारी इस बात की है, ये बताने के लिए उनके पास लोग जाएंगे और जा रहे हैं। खोदा पहाड़ और निकली चोइया, ये कहावत तो सभी ने होगी और ये कहावत राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र के लीलाखेड़ा गांव वालों के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। बता दें कि आज सुबह तेंदुआ दिखाई देने की खबर सामने आई है और सूचना पर ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। गांव में तेंदुआ दिखने से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। इसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बताया कि यह तेंदुआ नहीं बल्कि एक जंगली बिल्ली है। इस जंगली बिल्ली को फिशिंग कैट के नाम से जाना जाता है और वन विभाग की माने तो यह फिशिंग कैट उतनी ही खतरनाक होती है जितना एक तेंदुआ, बस इसकी लंबाई तेंदुए से कम होती है। फिलहाल कई घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने फिशिंग कैट को पकड़कर दूर जंगलों में छोड़ दिया है। संबल में नगर पालिका परिषद के चुनाव में बसपा अपने आप को काफी मजबूत मान रही है।
इस दौरान भाजपा ने नगर पालिका से बसपा नेता शकील अहमद पुत्र वधु आजमा तश्कील को चुनावी मैदान में उतारा है। जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार जॉन, कोऑर्डिनेटर साजिद सैफी ने समीक्षा बैठक करते हुए चुनाव की रणनीति बनाई है। उन्होंने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी दो गुटों में बैठी हुई नजर आ रही है। इसका सीधा फायदा बसपा को मिलेगा और बसपा के साथ दलित और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर अब खड़ा है। पिछली बार नगर निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव जीता था। इस बार शकील अहमद बसपा में है, इसलिए उन्होंने पूर्व में बहुत विकास काम कराए हैं। इसका भी सीधा फायदा बसपा को ही मिलेगा। सिद्धार्थनगर में हुई बाइक चोरी की घटनाएं पुलिस के लिए अब सिर दर्द बनी हुई है। बताते चले कि पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को चोरी की गई मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि आरोपियों के ऊपर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। जनपदीय एसओजी टीम और थाना लोटन की टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से कुल 9 बाइकें बरामद की गई है, जिनकी बाज़ार में कीमत लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए होगी। यह अभियुक्त कलाम नाऊ राष्ट्र नेपाल का रहने वाला है। ये वहाँ के जनपद तलेवा का है। इसने पूछताछ में बताया कि इसके दो अन्य साथी हैं रेशम और अकबर, जिनके साथ ये मिलके बॉर्डर के पास के क्षेत्रों में और नौगढ़ और जुगिया थाना क्षेत्र में बाइक की चोरियाँ करता था। और अभी इसमें जो दो वांछित अभियुक्त हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। संभल में नगर पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव में आदर्श आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। सपा के विद्रोही प्रत्याशी और सांसद वर्ग के समर्थकों ने घोड़ा बग्घी के साथ जुलूस निकाला और साथ ही जमकर आतिशबाजी भी की है, जिसके बाद हजारों लोग जुलूस में उमड़े और जुलूस का ये वीडियो भी अब सामने आए हैं। ये वीडियो हयात नगर थाना इलाके के एक मोहल्ले कोटला का बताया जा रहा है। निष्पक्ष एवं भय रहित चुनाव कराने के लिए हयात नगर पुलिस द्वारा बिना अनुमति प्रचार करने एवं रैली निकालने के संदर्भ में निर्दलीय प्रत्याशी के पति श्री यासीन समली एवं विधायक श्री जयर रहमान बर्ग के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इन साथ ही इनके 100 समर्थकों के खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिन्होंने बिना अनुमति की रैली निकाली। इस संदर्भ में अग्रिम कार्रवाई जाँच के पश्चात की जाएगी। लखनऊ में एलडीओ उपाध्यक्ष की दबंगई सामने आई है। दरअसल एलडीओ उपाध्यक्ष ने परिजात अपार्टमेंट के आवंटी सब शब्दों का प्रयोग किया है। बताया जा रहा है कि आवंटी समर विजय सिंह अपार्टमेंट की समस्या लेकर पहुंचे थे, लेकिन एलडीओ उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने उनको बाहर जाने को कह दिया। आवंटियों का कहना है कि पहले भी कई बार उनके साथ प्राधिकरण में अभद्रता हो चुकी है। शहर में नकली और अवैध दवाइयां उत्तर प्रदेश से उड़ीसा, बिहार और आंध्र प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों तक पहुंचाई जा रही है। इस मामले को लेकर एसटीएफ और एफएसडीए ने एक मुहिम की शुरुआत की है। एसटीएफ की टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है। बता दें कि रोजाना 50 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होता है। दवा कारोबारियों के बीच अवैध दवाइयों का कारोबार चलता है। पूरे मामले में 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि प्रदेश में नकली दवा की मंडी तैयार हो चुकी है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है। वह इसी के साथ बुलंदशहर के तहसील अनूप शहर और एलडीएवी इंटर कॉलेज की छात्रा लक्ष्मी सिंह ने हाई स्कूल में टॉप और जनपद में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के मंडल अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह राघव ने सम्मान समारोह आयोजित किया और ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्रामीणों के साथ फूल माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर और शील्ड देकर लक्ष्मी को सम्मानित किया। सम्मान समारोह में गांव का नाम रोशन करने पर लक्ष्मी सिंह और उसके विद्यालय को बधाई भी दी गई और उनकी खूब सराहना भी की गई।
यूपी के बरेली में निजी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी ने बीते दिनों अतीक और अशरफ की प्रशंसा की थी और माफिया ब्रदर्स को शेर तक बताया था। बता दें कि युवक ने सोशल मीडिया पर अतीक और अशरफ को शेर बताकर एक पोस्ट किया था। इस युवक का नाम राजिक अली बताया जा रहा है और पोस्ट के आरोप में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दारोगा अमरेश ने 22 अप्रैल को युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस युवक को सफेद कुर्ते में देख रहे हैं ये कोई और नहीं, ये अतीक और अशरफ को शेर बताने वाला युवक है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब खबर बदायूं से है, जहां जांच करने पहुंचे दारोगा से दबंगों ने जमकर मारपीट की है और मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। बता दें कि बिसौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चंदपुरा के एक किसान के शिकायत पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम के साथ जांच करने पहुंची थी, जहां दबंगों ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद राजस्व विभाग की टीम के शिकायत पर अभियोग भी पंजीकृत कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बिधुना थाना क्षेत्र के कछपुरा मोहल्ले में घर के अंदर कमरे में एक युवक ने फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या कर ली है। कोतवाली पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। वही सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचे और युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के भाई सोनू के द्वारा पुलिस को घटना की लिखित तहरीर दी गई है। कोतवाली प्रभारी ललित कुमार ने कहा कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज घटना ये हुई है कि हम दवा लेने गए थे, मम्मी घर पे थी नहीं, तो ये अकेले घर पे था, तो इसने एक दो सीसी पी ली होंगी जब मेरे आने से। जब मैं घर पे आया तो मम्मी मेरी बाहर बेहोश पड़ी थी, तो जब मैंने उनके पानी डाला तो उनसे पूछा कि बताओ, उसने दवा पी ली है और दवा पी कर अंदर कमरे में चला गया है। तो जब अंदर मैंने देखा जाकर, मम्मी को छोड़ दिया पहले मैंने इसको अंदर देखा जाकर, तो कुंडी अंदर बाहर से अंदर से पूरी लॉक लगी हुई थी, तो मैंने अंदर पूरा अंधेरा पड़ा हुआ था, लाइट नहीं जल रही, जब क्योंकि पूरे दिन लाइट हम चलाते हैं लेकिन आज लाइट उस टाइम नहीं जल रही थी। तो जैसे ही मैंने गेट पर 10-20 लाते मारी तो गेट नहीं खुल रहा था, तो उसके बगल में एक अलवारी दीवार थी, तो ईटा लेके मैंने उस दीवार को तोड़ा जाकर, जैसे ही तोड़ा मैंने मोबाइल की लाइट जलाई तो ये लटके हुए थे। काहे पे? खबर रायबरेली से है, जहां रेलवे ट्रैक पर महिला का शव मिला है। वही हत्या के बाद शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले महिला को एक पुरुष और लगभग 3 वर्षीय बच्चे के साथ स्थानीय लोगों ने देखा था। बचरावा थाना इलाके के पहरावा गांव के पास स्थानीय लोगों ने महिला का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वही इस पूरे मामले पर एसओ का कहना है कि शव के शिनाख्त की कार्रवाई के अलावा महिला के साथ रहे पुरुष और बच्चे की भी तलाश की जा रही है। खबर औरैया से है, जहां बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान अनाधिकृत तरीके से चल रही 6 स्कूली वैनों पर कार्रवाई की गई और चेकिंग के दौरान स्कूल का वाहन परमिट पर चलते मिला, लेकिन एक स्कूल के वाहन में 14 बच्चे पास होते हैं लेकिन उसमें 26 बच्चे बैठे मिले। वही स्कूली बच्चों को लाने और जाने के लिए जो बस लगी हुई थी उसमें से 5 ओमनी वैनों को चेक किया गया, जिसमें बच्चे बैठे हुए थे और कागजात मांगने पर ड्राइवर परमिट तक नहीं दिखा पाए, जिसके बाद पीटीओ ने उन वैनों के खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही चेकिंग के दौरान मोरंग से भरे हुए 2 ट्रकों पर भी कार्रवाई की गई है। साथ ही कृषि कार्य में काम आने वाले ट्रैक्टर को कमर्शियली ढोने के कार्य पर लगाकर ट्रैक्टर पर भी कार्रवाई हुई है। जो स्कूल्स में अनधिकृत वैन चल रही है, लीगल उनके पास परमिट नहीं है, उन पे कार्रवाई की है। ऐसे हम लोगों ने 5 गाड़ियां आज यहाँ पर निर्मित करी है। उनमें क्या बच्चे आपको मिले थे? जी, बच्चे उसमें बैठे थे और एक गाड़ी तो स्कूल की थी जिसमें कि बच्चे बहुत ज़्यादा थे, 14 में पास है, उसमें 26 बच्चे सफर कर रहे थे। बाकी और कौन गाड़ियों पे हुई? 2 ट्रक है मोरंगी ओवरलोड जी, और एक ट्रैक्टर है जिसपे ईटा लगा हुआ है। टोटल कितनी गाड़ियों पर कार्रवाई? टोटल 8 गाड़ी पर हुई है। कुछ जुर्माना भी वसूला है? नहीं, जुर्माना हम लोगों ने कैश नहीं वसूला है। कार्रवाई की है? जी, कार्रवाई करी है, ये लोग ऑफिस में जमा करेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस